हेलो दोस्तों, मैं हूं सैफ सरफराज और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं चिकन करी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, वो भी प्रेशर कुकर में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी हमारी। मैंने यहाँ 1 किलो चिकन लिया। सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन करेंगे। इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और उसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद आधे घंटे का हम रेस्ट देंगे, यानी कि फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे तक। आधा घंटा हमारा हो चुका है, तो इसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। उसमें हम डालेंगे ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 चिल्ली, 10 से 12 काली मिर्च, 4 लौंग, 4 इलायची के दाने। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाल रहा हूँ जीरा, और इसके बाद सभी को हम फूटने देंगे। जब सारी चीज़ हमारे फूट जाएंगे तो इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चॉप ऑनियन। ये देखिए, ऑनियन को फाइन चॉप करके लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे मिक्सर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा और मैंने यहाँ पे 3 ऑनियन का यूज़ किया है। और इसे हाई फ्लेम में तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे हम, जब तक कि ऑनियन गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक। जनरली मैं नमक टमाटो डालने के बाद डालता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पहले डाल रहा हूँ ताकि जो ऑनियन हमारा वो जल्दी गल जाए, क्योंकि इंडियन कुकिंग में ज़्यादा टाइम ग्रेवी बनाने में लगता है। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 2 चॉप चिली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फाइनली 7 से 8 मिनट भुनने के बाद ऑनियन हमारा पक चुका है। तो इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे इसका कच्चापन जाने तक। ये भूनते हुए हमारा 1 मिनट हो चुका है। तो इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 चॉप टमाटो। हमें यहाँ ऑनियन और टमाटो को फाइन चॉप करके यूज़ करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे मिक्सर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे हाई फ्लेम में। 2-3 मिनट भुनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम भुनेंगे हाई फ्लेम में, जब तक कि थोड़ा चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। तो 5 मिनट भुनने के बाद ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है। तो इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी चिल्ली पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद सभी को अच्छी तरीके से मिलाएंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो मसाले भी पक जाएं और टमाटो भी पक जाएं और जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से चले जाएं। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप इंडियन कुकिंग में कुछ भी बना रहे हो तो मसालों को हमें अच्छी तरीके से पकाना है, क्योंकि मसालों से ही खाने में टेस्ट आता है। चाहे वो चिकन आप पका रहे हैं या वेजिटेबल्स पका रहे हैं, कुछ भी पका रहे हैं, तो मसालों को हमें अच्छी तरीके से पकाना चाहिए। ये 5 मिनट भुनने के बाद ये देखिए हमारा चिकन का कलर है, वो निखर के आ रहा है। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है पानी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पानी चिकन में बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपका जो चिकन का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। और इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे और इसे ढक्कन लगा करके 1 सीटी आने तक पकाएंगे। जब 1 सीटी आ जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और गैस निकलने का वेट करेंगे। जब पूरी तरीके से गैस निकल जाएगा तो उसके बाद हम ढक्कन को खोलेंगे। ये देखिए हमारा ग्रेवी का कलर कितना प्यारा लग रहा है, सेम टू सेम रेस्टोरेंट का कलर आ रहा है। मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब इसे हम फाइनल टच देंगे। हम थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और ये फाइनली हमारा चिकन करी रेडी है। कमेंट करके बताइएगा आप चिकन करी कैसे बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे एंजॉय कीजिए।